बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ क्लास अ क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी, इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन अवर एप्लीकेशन, वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स। सो वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको सारी की सारी चीजें मिलती है, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवीएस और क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स। सो इट्स क्लियर नाउ, यू कैन जॉइन दीज क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, कौन सा लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, कौन सी यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम देख लेते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो आपके 13 ग्रुप 13 से लेके, सो दिस इज ग्रुप 13 14 15 16, 17 एंड 18, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो एक एक करके हम देखेंगे। ओके, सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम देखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ग्रुप ऑफ नंबर 13 to 18। सो अभी मैंने बताया 13 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है। इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी कॉल इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज वेल। सो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। वो किस में एंटर करता है, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। दैट्स वाई वी कॉल इट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि पी ऑर्बिटल में जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंटर करता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज Sn2Np1-6। सो ये वेरी कर सकता है 1-6 से। ये एक मॉडल कॉन्फिगरेशन है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, 13 से लेके 18 तक फैले हुए हैं। ओके, एंड देन वी हैव ग्रुप 13 के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली। सो बोरोन फैमिली कौन सी है, ये 13 नंबर की बोरोन फैमिली है। ओके, ये जो ब्लू कलर से आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, बट पोर मेटल्स हैं। ये सारे मेटल हैं, एल्युमिनियम, गैलियम और ये सारे के सारे। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ब्लू कलर जो हाईलाइटेड है ये क्या है, मेटल्स है। एंड ह्योर वाइट कलर के जो क्या है, नॉन मेटल्स है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ओके, देन रेड कलर का, दीज आर नोबल गैसेस। ये जो आपकी लास्ट जो 18th नंबर की जो ग्रुप है वो नोबल गैसेस ग्रुप है। जो 17 है इसे हम कहते हैं हैलोजन्स, और ये क्या है, दिस इज नोबल गैसेस। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट में आते हैं। चलो लेट्स सी ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में कौन कौन है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, आइडियम है, इंडियम है एंड थालियम है। ठीक है, कौन कौन है, बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का है 13, 31 है गैलियम का, इंडियम का 49 एंड अगेन थैलियम का है 81। ओके, सो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो सारे के सारे लास्ट में आपके पी ब्लॉक में कोई ना कोई आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी पी ब्लॉक, यहाँ पे भी पी ब्लॉक, लास्ट में भी पी ब्लॉक। सो इसी वजह से ये पी ब्लॉक एलिमेंट
कहलाते हैं। ये है बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे तो क्या देखेंगे, एटॉमिक रेडियाई देखेंगे एंड आयनिक रेडियाई देखेंगे। सो जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव स्मॉलर साइज देन दोज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लिक चार्ज। क्यों ये स्मॉलर साइज के होते हैं, दे हैव स्मॉलर साइज देन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। सो इनका एटॉमिक रेडियाई भी स्मॉलर होता है, आयनिक रेडियाई भी स्मॉलर होता है। क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव ग्रेटर इफेक्टिव नंबर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो इसकी वजह से जो इनका एटॉमिक रेडियाई होता है, आयनिक रेडियाई होता है, वो स्मॉल होता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप विद एन एनोमली ऑफ गैलियम। सो गैलियम क्या है, गैलियम एक एक्सेप्शन है। ठीक है, गैलियम क्या है, गैलियम एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जैसे ही आप इस ग्रुप में नीचे जाओगे, लिस्ट में नीचे जाओगे, आपको एटॉमिक रेडियाई बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। और गैलियम में जो अनएक्सपेक्टेड जो आपको प्रेजेंस अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज दिख रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है विच डू नॉट स्क्रीन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इफेक्टिवली। जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो उतनी प्रॉपरली स्क्रीन नहीं हो पाती, इसी वजह से ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज फ्रॉम B3+ टू Pi। ठीक है, एटॉमिक यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब आप नीचे जाओगे बोरॉन से लेके Pi तक, ठीक है, थैलियम तक। सो क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी, इट इंक्रीज रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप बी टू थैलियम, बोरॉन टू थैलियम। सो जब आप लिस्ट में नीचे मूव करते हो, सो बोरॉन से लेके थैलियम तक जो डेंसिटी है वो इंक्रीज ही होती है। देन वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या सीन है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स से कहीं ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास होता है। द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम एंड देन इंक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एलिमेंट। तो ये याद रखना है, बोरॉन टू गैलियम तक क्या हो रहा है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट, बोरॉन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो बोरॉन है, बोरॉन के पास बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन इन विच बोरॉन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि इन बोरॉन एटम्स के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट कंसिस्ट ऑफ गैलियम 2 मॉलिक्यूल्स एंड Ga रिमेन्स लिक्विड अप टू 2276 केल्विन। सो इतने टेम्परेचर तक जो गैलियम है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है ऑलरेडी। इसके अलावा जो गैलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन दी हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। इसी वजह से हम इसे हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं। ओके, देन वी हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम IE से भी डिनोट करते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर लोअर देन दी करस्पॉन्डिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल से इनका जो IE है वो क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है ड्यू टू द फैक्ट दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजी। क्यों ऐसा, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और मूविंग डाउन टू द ग्रुप, जब आप जैसे ही मूव डाउन करोगे इस ग्रुप में IE डिक्रीजेज। याद रखना है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, बट देन नेक्स्ट एलिमेंट गैलियम हैज स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू पुअर शील्डिंग एंड इंटरवेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, किस क्यों इस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पुअर शील्डिंग है एंड इसके अलावा जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंटरवेन करते हैं इसमें। अगेन इट डिक्रीजेज इन एंड देन इंक्रीजेस इन द लास्ट एलिमेंट थैलियम। सो गैलियम में क्या होगा, ये गैलियम में ही इसकी बिकॉज ऑफ द पोर शील्डिंग ये स्लाइटली हायर हो जाएगा
it will be slightly higher, then again it will get increase till the last element Ti thallium. Oxidation states कैसे होने वाले हैं? Boron and aluminium shows oxidation state of +3, while gallium, indium and thallium exhibit oxidation state of both +1 and +3. दोनों में से हो सकते हैं. As we move down in the group 13, due to the inert pair effect, the tendency to exhibit +3 oxidation state decreases. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है, एंड टेंडेंसीज टू अटेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 वाली टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है और +1 वाली टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है. स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉलो द ऑर्डर गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,